हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो आप अपनी जो भी आपकी कहते हैं ना जन्म डेट जो आपकी बर्थ डेट है जो जिस दिन भी आपका जन्मदिन पड़ता है हैप्पी बर्थडे पड़ता है तो उस डेट के हिसाब से आप ये देखिए आज के वीडियो में कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी क्योंकि अक्सर इस बात को लेके बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनकी किस्मत में लव मैरिज है या नहीं है तो आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे देखिए इसमें इस जो वीडियो है इसमें हम नंबर एक से लेके इकतीस तक यानी थर्टी वन वो सारी डेट हैं जिसमें किसी न किसी का बर्थडे पड़ता है तो आपको क्या करना है उसमें से जो भी आपकी डेट है उस हिसाब से आप देखिए कि कितना साथ देता है आपका जो आपका भाग्य ठीक है लव मैरिज को लेके देखिए लव मैरिज का होना ना होना ऐसा जरूरी नहीं कि अगर इस कार्ड्स में निकलता है कि आपकी लव मैरिज नहीं होगी इसका मतलब ये होगा कि लव मैरिज जो है आपकी आसानी से नहीं होगी आपको कोशिश करनी पड़ेगी लोगों को बहुत मनाना पड़ेगा लोग ये सारी चीजें होंगी ठीक है और अगर इसमें यस निकलता है तो इसका ये मतलब होगा कि अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आपके लव मैरिज होना संभव है और भाग्य आपका साथ देगा तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके घर में लोग नाराज हों लेकिन अगर आप थोड़ा सा उन्हें समझाते हैं तो वो मान जाएंगे तो किस्मत आपका साथ देगी लक आपके साथ आएगा तो आपकी लव मैरिज हो सकती है ठीक है तो ये चीज है ये ये तरीका है इस वीडियो को देखने का ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर इस, किसी की बर्थ डेट में ये दिख जाए कि लव मैरिज नहीं होगी उसका मतलब ये है कि लव मैरिज होने के चांसेस थोड़े से कम हैं अगर आप बहुत कोशिश करते हैं तो हो जाएगी ठीक है कोई भी चीज को आप नकारात्मक में मत लीजिएगा जीवन में आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं ये मैं आपको काफी टाइम से बता रही हूँ क्योंकि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं बस ये होता है कि उसमें लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं ये सारी बातें हो जाती हैं और कभी कभार कुछ लोग लकी होते हैं जिसमें सब लोग खुश हो जाते हैं तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है लेकिन जो आंसर होगा वो येस और नो में ही होगा क्योंकि काफी सारा लोग काफी सारा नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से लेके थर्टी वन तक तो चलिए देखते हैं पहले हम देखेंगे नंबर वन टू थ्री फोर कुल पंद्रह जो तारीख होती है उस तारीख तक देखेंगे हम और आगे का जो फिर देखते हैं अगर इसमें हो पाया तो उसमें जोड़ देंगे नहीं तो फिर अलग से एक वीडियो बन जाएगा लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी नंबर हैं वो इसी वीडियो में आए क्योंकि बाद में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है लोग पूछते हैं कि मैम मेरा कहाँ है वीडियो आपने बनाया नहीं लेकिन होता वीडियो बना हुआ है अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें तो, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव सेवन एट नाइन टेन तो चलिए यहां पे अभी कोई दस कार्ड हैं। हर एक कार्ड को हम आपको दिखा देते हैं कन्फ्यूजन ना हो और सारे कार्ड्स आपको अब दिख नहीं रहे होंगे लेकिन आपको जो एक जो टाइमिंग हम आपको बताते हैं वीडियो की कब आपका आपकी कार्ड की रीडिंग थी उस हिसाब से हम आपको टाइमिंग दे देंगे तो आप अच्छे से देख लीजिएगा आपको बातें भी क्लियर हो जाएंगी तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो नंबर वन जिनका भी नंबर वन है वो देख सकते हैं काफी ज्यादा चांसेस हैं अगर आप प्रयास करते हैं और थोड़ी तो सी कोशिश करते हैं तो आपकी किस्मत में लव मैरिज है ठीक है तो आपको इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप कोशिश कीजिए आपके अपने जो है मान जाएंगे और किस्मत आपका साथ देगी लक आपका साथ देगी तो ये था नंबर वन के लिए कि लव मैरिज आपके लिए है कि आपकी लव मैरिज हो सकती काफी है काफी ज्यादा चांसेस हैं नंबर टू देखिए आपके कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग की किस्मत में ऐसा भी होता है कि आप खुद अपनी भाग्य लिखेंगे सबकी किस्मत में ये चीज होती है आप जो चाहे वो कर सकते हैं लेकिन आपके साथ ये चीज कुछ ज्यादा है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप लव मैरिज भी कर सकते हैं अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज भी कर सकते हैं दोनों ही चीज आपके लाइफ में है मतलब आपकी किस्मत है बहुत आसानी से हो जाएगी दोनों ही चीज में से जो भी आप चुनते हैं आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी नंबर थ्री चुना है देखिए आपके लिए ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि लोग आपसे नाराज हो जाएं आपकी फैमिली बिल्कुल आपके खिलाफ हो जाएगी लेकिन एक उम्मीद जो है ना वो होगी कि आप चाहे थोड़ी सी और कोशिश करके आप लव मैरिज कर सकते हैं लेकिन जो किस्मत में अगर हम कह दें कि जो हम यसा नो में देख रहे हैं तो आपका जो आंसर होगा काफी हद तक नो में जाएगा लेकिन एक जैसे कि मैंने कहा ना कि एक उम्मीद है प्रयास है आपको चांस मिलता रहेगा कि आप फिर से अपने घर वालों को मना लें या फिर जो भी आपका पार्टनर है जिसे भी आप लव करते हैं तो ये चीजें लेकिन यसा नो में आंसर देख रहे हैं तो यहाँ पे नो हम कहेंगे ज्यादातर लोगों के लिए क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो अपना वो उस कोशिश तक जाएंगे बीस परसेंट लोग होंगे तो ये अस्सी परसेंट के हिसाब से हम कह रहे हैं कि इस कार्ड का जो आंसर होगा वो नो होगा ठीक है और बाकी इन दोनों में यस यस है तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चार नंबर के लोग हैं वो अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा जाएंगे लव मैरिज के चांसेस आपके लाइफ में बनेंगे लेकिन आप जिस पर्सन को भी पसंद करते हैं उस पर आपका पूरा विश्वास नहीं होगा ये चीज दिख रही है आपके कार्ड्स में ठीक है तो आपके लिए भी आंसर नो में है क्योंकि यहाँ पे कुछ आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि शायद आप विश्वास नहीं कर पाते हैं लोगों पे जल्दी तो ये है नंबर चार के लिए कार्ड तो यहाँ पे लगभग एक हिसाब से नो जा रहा है क्योंकि यहाँ आपके एक आपकी पसंद कुछ है ऐसी ठीक है तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी नंबर फाइव चुना था आपके लाइफ में लव मैरिज के चांसेस हैं काफी ज्यादा हैं लेकिन आपका जो झुकाव है वो अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा होगा तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना है लव मैरिज तो ये काफी संभव है कि लोग मान जाएंगे और लक भी आपका साथ देगा इस चीज में तो ये नंबर फाइव वालों के लिए था आइए देख लेते हैं जिनका बर्थडेट सिक्स है तो यहां पे आपके साथ तो काफी ज्यादा फैमिली वाला दिक्कत आएगी जो लोग भी अगर नंबर सिक्स वाले हैं वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो फैमिली प्रॉब्लम काफी ज्यादा आएगी और उसके बावजूद भी अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं लेकिन फैमिली आपका साथ नहीं देगी यहाँ पे दोनों ही पार्टी की तरफ से मतलब आपके पर्सन और आपकी फैमिली नंबर सिक्स है ठीक है आप कंफ्यूज मत रहिएगा नंबर सिक्स वालों के लिए कार्ड था तो नंबर सेवन नंबर सेवन वालों का मुझे दिख रहा है कि मैरिज करना चाहते होंगे रहेंगे लेकिन फाइनेंस प्रॉब्लम काफी ज्यादा उनके यहाँ रहेगी लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होगा कुछ लोग भी काफी लोग वीडियो देखते हैं तो सीखे जनरल है जनरल रीडिंग है मैं आपको ये हर बार बताती हूँ लेकिन यहाँ पे जो होगा ना कि आपके जो पार्टनर होंगे उनको काफी टाइम लेंगे हर डिसीजन में तो हो सकता है कि यहाँ पे अरेंज मैरिज ज्यादा दिख रही है तो जो लोग का भी नंबर सात है वहां अरेंज मैरिज मुझे दिख रही है कार्ड्स के हिसाब से ठीक है आपके जैसे कार्ड्स हैं मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ तो नंबर एट वालों के लिए भी मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है तो ये सर नो में ही आंसर चल रहा है इसलिए तो आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा तो नंबर के हिसाब से भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि क्या कैसे होगा और आप अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करें करें या ना करें अच्छा होगा या नहीं होगा तो ये था आपका ठीक है तो नंबर एट वालों का ये कार्ड है तो अभी देख लेते हैं नंबर नाइन तो आपने अगर ये नंबर नाइन आपका बर्थ डेट है आपका यहाँ इस दिन हैपी बर्थडे पड़ता है तो नंबर नाइन वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे आपका झुकाव है और आपकी लव मैरिज हो जाएगी लेकिन वही फैमिली दिक्कत हो सकती है जो मेल पर्सन होगा उनकी फैमिली ओके होगी लेकिन जो फीमेल पर्सन होगी वहां से थोड़ी सी दिक्कत आपको सामना करना पड़ सकता है ठीक है अंतर काफी ज्यादा दिख रहा है तो नंबर नाइन वालों के लिए मुझे यस दिख रहा है मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी लेकिन आपकी किस्मत साथ देगी लव मैरिज यानी कि आपको जो भी आपका पार्टनर होगा ना वो बहुत अच्छा होगा ठीक है अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है अगर आपका कोई है, तो, तो काफी साफ क्लियर आपके कार्ड्स के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी और आपकी किस्मत में लव मैरिज है होगी नहीं आपकी किस्मत में लव मैरिज है यानी कि अगर आप कोशिश करते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो लव मैरिज होने की चांसेस काफी ज्यादा है लोग साथ भी देंगे कुछ समय बाद लोग मान भी जाएंगे अगर नाराज होते हैं भी हैं तो क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन है और आपका आपके ऊपर आशीर्वाद है ईश्वर का तो ये सारी चीजें दिख रही हैं तो यहाँ पे हो गया नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यहाँ पे दस तारीख तक के लोगों की रीडिंग थी आगे हम देख लेते हैं बाकी ग्यारह बारह से लेके पूरा बीस तक तो चलिए देख लेते हैं बाकी के नंबर जिन लोगों का भी बर्थडे पड़ता है उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा ये तरीका कुछ तो चीजें यसर नो में क्लियर हो जाए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा ही तो आप बताइएगा और डिटेल में भी होगी रीडिंग काफी काफी ज्यादा नंबर्स हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा यश नो में ही से कर रही हूँ तो ऐसे अगर हम करेंगे तो काफी ज्यादा घंटे यहां निकल जाएंगे और मेरी कोशिश है कि इसी एक वीडियो में सारे डेट के हिसाब से हम कर ले तो हम देखेंगे नंबर ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ठीक है स्टार्ट करेंगे नंबर वन से ओ सॉरी नंबर ग्यारह से देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि लव मैरिज करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है थोड़ी सी फ, आर्थिक प्रॉब्लम होगी बिजनेस उजनेस आपका थोड़ा सा सही नहीं चलेगा मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली पे काफी ज्यादा निर्भर हैं तो इस वजह से आपके जो डिसीजन होंगे आपकी फैमिली के हिसाब से ही होते हैं ज्यादातर ठीक है नंबर ग्यारह वालों के लिए मुझे लग रहा है कि फैमिली की जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा आपके ऊपर है तो यहाँ पे लव मैरिज के हिसाब से अगर हम कहें यसा नो में तो नो ही आंसर होगा लेकिन अगर आप कोशिश कर तो कोशिश से क्या कुछ नहीं हासिल होता था दुनिया की हर एक चीज कोशिश करने से हासिल होती है तो फिर यही चीज है लेकिन ऐसा नो में रीडिंग है तो रीडिंग के हिसाब से इसमें दिक्कतें आ सकती हैं आपको इसीलिए इसका आंसर नो है तो यहाँ लव मैरिज मुझे नहीं दिख रही है नंबर ग्यारह वालों के लिए आई बारह वालों का देखते हैं यहाँ दिख रहा है कि काफी ज्यादा परेशान होंगे अगर मुझे लग रहा है कि आपका कोई ना कोई पार्टनर है जिसे आप बहुत लाइक करते हैं लेकिन आप करना चाहते हैं लव मैरिज हो नहीं हो पा रही है आपकी क्यों नहीं हो पा रही है दिक्कतें हो सकता है आपका पार्टनर कहीं से कि, किसी और के साथ रिलेशनशिप में या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी है कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप बदल नहीं सकते हैं तो नंबर बारह वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज यहाँ पे तो नो ही दिख रही है लेकिन आप बहुत चाहते हैं अगर तो कर सकते हैं ठीक है एक कहते हैं ना कि कोशिश से क्या कुछ नहीं हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ पे तो जिन लोगों का भी बर्थडे बारह तारीख को पड़ता है ये बारह नंबर वालों के लिए है आइए देख लेते हैं नंबर तेरह नंबर तेरह वालों से मुझे दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा परेशान हैं कोई ना कोई इंसान जरूर आपके लाइफ में ऐसा है जिसे आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं बना पा रहे हैं दिक्कतें यहाँ पे फाइनेंस पैसे की भी दिख रही है हो सकता है कि अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है या अपने पैरों पर खड़े नहीं है अपनी फैमिली पे काफी ज्यादा आश्रित है इसी वजह से आप वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं आप लव मैरिज करना चाहते हैं कोई पार्टनर आपको मिला है जो काफी अच्छा है आप चाहते हैं कि वो आपका लाइफ पार्टनर बने कोशिश करिए आपकी लव मैरिज काफी ज्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं लेकिन फिर भी आप परेशान हैं और आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है इसलिए आपको लगता है कि आपकी लव मैरिज नहीं होगी लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी लेकिन टाइम लगेगा काफी ज्यादा तो जिन लोगों का भी बर्थडे नंबर तेरह तो पड़ता है उसमें समय लग सकता है आपकी शादी में लेकिन आपकी होगी लव मैरिज ठीक है आइए देख लेते नंबर चौदह लोगों का भी बर्थडे चौदह पड़ता है यहाँ पे दिख रहा है कि आप अरेंज मैरिज की तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहेगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे अच्छे अच्छे ऑप्शन होंगे और उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप और अगर आप कंफ्यूज नहीं होते तो आपकी लव मैरिज होगी यानी आपको अपने प्यार पे भरोसा अगर होगा अगर एक समय मतलब इतना है कि आप जल्दी भरोसा नहीं कर पाते लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिलता है जिसपे आप भरोसा कर लें और कोई भी डाउट ना रहे आपके माइंड में उस पर्सन को लेके एकदम क्लियर आप रहे तो आपकी लव मैरिज होगी तो यहां लव मैरिज के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन एक वही चीज है कि आपका नेचर आपका नेचर ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है साफ तौर पर अगर हम कहें तो हमें नंबर चौदह वालों के लिए यही पता चल रहा है कि आप जो चाहते हैं वो करेंगे अगर आप लव मैरिज भी चाहते हैं तो लव मैरिज भी कर सकते हैं अरेंज चाहते हैं तो अरेंज भी कर सकते हैं मतलब किस्मत आपका साथ देगी वैसे तो हर इंसान जो चाहे वो कर सकता है लेकिन किस्मत कहते हैं कभी कभी किस्मत भी साथ दे देती है तो बातें जो होती हैं बन जाती हैं जल्दी हो जाती हैं वो काम जल्दी हो जाता है वही चीज यहाँ पे है आइए देखते हैं नंबर पंद्रह जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर पंद्रह को चुना था आपकी मुझे लग रहा है कि लव मैरिज काफी ज्यादा चांसेस है कि हो सकती है अगर आप कोशिश करें तो भाग आपका साथ देगा किस्मत भी आपका साथ देगी और आपकी फैमिली भी आपका साथ देगी तो नंबर पंद्रह वालों के लिए तो क्लियर दिख रहा था आइए देख लेते हैं नंबर सोलह तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो नंबर सोलह वाली डेट होगी उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी फैमिली को लेके काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए तो नंबर सोलह वालों के लिए आंसर जो होगा वो नो में होगा क्योंकि मेहनत करनी पड़ी है एट्टी परसेंट लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो शायद उतनी कोशिश ना करें बाकी की जो ट्वेंटी परसेंट लोग होंगे अगर वो उस काम को मतलब लव मैरिज करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कर लेंगे ठीक है तो एटी परसेंट के नो था तो इसलिए मैंने इसे नो बताया है नंबर सोलह वालों के लिए तो नंबर सत्रह जिन लोगों की भी बर्थडेट सत्रह में पड़ती है आप भी कोशिश तो चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से शादी करें कोई इंसान हो जिसे आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन आप आगे पीछे आगे नहीं बढ़ पा रहे इसकी वजह ये हो सकती है कि उस इंसान की या तो शादी हो चुकी होगी या तो वो इंसान खुद नहीं तैयार होगा ये सारी चीजें इसमें आएंगी तो नंबर सोलह वालों के लिए मुझे तो ये दिख रहा है ठीक है वो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह वालों के लिए ठीक है सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया लेकिन सत्रह वालों के लिए है ग्यारह से हमने स्टार्ट किया था तो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो सत्रह वालों के लिए यह है कि आपके जो भी पार्टनर होंगे या तो उनकी शादी हो चुकी है या तो उनकी शादी किसी और से होने वाली है ये सारी चीजें रहेंगी आप उदास हैं क्योंकि तो आप भी ये है, जानते हैं कि आप उनको अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकते आइए देख रहे नंबर अट्ठारह अट्ठारह वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं अगर अरेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं दोनों तो ही चीज में आपका लक आपका साथ देगा किस्मत आपका साथ देगी उन्नीस वालों के लिए देख लेते हैं उन्नीस सालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लव मैरिज को लेके क्योंकि फैमिली में अगर आपकी फीमेल पर्सन अगर आपकी माँ या फिर आपके घर में कोई कोई भी बड़ा जो फीमेल पर्सन होगा वो थोड़ा सा विरोध करेगा इस सब चीजों को लेके या तो आपके पार्टनर के फैमिली में कोई ऐसा होगा तो यहाँ लव मैरिज के चांसेस एटी लोगों के साथ तो काफी दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए नो रहेगा ठीक है तो 20 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं 20 नंबर वालों के लिए चांसेस काफी ज्यादा आते तो हैं जिन लोगों का भी बर्थडे 20 तारीख को पड़ता है अगर आप लव मैरिज करना चाहेंगे तो किस्मत आपका साथ देगी तो यहाँ का जो चीजें हमने आज देखी हैं नंबर 11 से लेके 20 तक अब हम देखेंगे आगे के जो नंबर है जिसमें लोगों का जन्मदिन पड़ता है चलिए देख लेते हैं नंबर इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस का भी हम देख लेंगे तो इक्कीस जिनका भी बर्थडे इक्कीस तारीख को पड़ता है ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके जो लव मैरिज के चांसेस हैं वो हैं काफी ज्यादा हैं और अरेंज मैरिज के भी हैं अगर आप लव मैरिज करना चाहें तो किस्मत आपका साथ देगी अरेंज करना चाहेंगे तभी किस्मत आपका साथ देगी आइए देखते हैं बीस तो यहां भी मुझे लग रहा है कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो वहां भी आप अरेंज भी कर सकते हैं खुश भी रहेंगे लव मैरिज करना चाहते हैं तो किस्मत आपका साथ देगी और आप खुश भी रहेंगे तो ये है बाईस तारीख वालों के लिए और ये है तेईस तारीख तेईस तारीख वालों के लिए भी यही दिख रहा है कि आपके सामने तो ऑप्शन रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपका नेचर जो है वो थोड़ा सा आप खुद अगर अपनी चीजों पे कहेंगे ना कैसे तो शक करते हैं हम मुझे खुद लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए ये वाली बात होगी तो आपके ऊपर रहेगा कि आप क्या करेंगे आपके नेचर के हिसाब से तो वही सेम चीज है आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं क्योंकि लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है जो तो तेईस तारीख वाले लोग हैं वो अरेंज मैच की तरफ ज्यादा चाहेंगे ठीक है चौबीस तारीख वालों के लिए देख लेते हैं तो 24 तारीख वालों के को दिख रहा है कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं आप लाइफ पार्टनर उन्हें अपना बनाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से ऐसा कर नहीं पा रहे हैं वो वजह आपकी आर्थिक स्थिति हो सकती है आप आपके पास जॉब नहीं है तो ये सारी चीजें यहाँ दिख रही हैं जिनका भी जन्मदिन 24 तारीख को पड़ता है लेकिन अगर आप लोग मैनेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन आपकी शादी थोड़ी सी देर से होगी ये चीज दिख रही है ठीक है काफी टाइम लग जाएगा आपको इन सब चीजों में तो चौबीस तारीख वालों के लिए ये दिख रहा है पच्चीस तारीख वालों के लिए देख रहे हैं तो पच्चीस तारीख वालों के लिए एकदम से क्लियर आंसर है कि आप अगर मैरिज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं किस्मत आपका साथ देगी फैमिली भी आपका साथ देगी हो सकता है कुछ लोग के साथ ना साथ दे लेकिन कुछ समय बाद लोग ठीक हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पच्ची पच्चीस तारीख तक हम देख लिए हैं अब हम देखते हैं छब्बीस तारीख वालों के लिए इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ये छब्बीस वालों के लिए कार्ड है तो छब्बीस वालों को दिख रहा है कि आप लम मैच करना चाहेंगे लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बंधे हुए हैं अपनी फैमिली के नियम कानूनों से या समाज के नियम कानून से आप कर नहीं सकते मतलब कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को बहुत रुका हुआ फील करते हैं और डरते हैं ये सब बातों को करने से ठीक है तो यहाँ नो आंसर दिख रहा है क्योंकि आप पीछे हट रहे हैं यहां पे आप देखते हैं हम 27 तारीख वालों के लिए सत्ताईस तारीख वालों के लिए भी मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है ठीक है अरेन्ज मैरिज दिख रही है आपको आपका खुद का जो झुकाव होगा वो अरेंज मैरज की तरफ ज्यादा होगा एट्टी परसेंट वालों के लिए इसलिए हम यहाँ पे अरेंज मैरिज कह रहे हैं आइए देख लेते हैं उसके बाद का जो समय डेट है अट्ठाईस ठीक है अट्ठाइस जिनका भी बर्थडेट अट्ठाइस है तो यहाँ आपका भी मुझे दिख रहा है कि आप आपका लव मैरिज में चांसेस काफी ज्यादा है जिन लोगों का भी बर्थडे अट्ठाईस तारीख को है अगर वो कोशिश करते हैं लव मैरिज करने के लिए तो वो सफल हो जाएंगे आइए देख लेते हैं उनतीस तारीख उनतीस तारीख आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे अपने रिलेशनशिप को लेके तो अगर कंफ्यूजन खत्म हो जाता है आपके दिमाग से तो लव मैरिज अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना रहता है तो आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि आप चाहते क्या है जो आप चाहेंगे वो आप कर सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति इस है इसलिए जो एटी परसेंट लोग होंगे वो शायद अरेंज मैरिज की तरफ चले जाएं तो इसका आंसर भी नो होगा आइए देख लेते हैं जिनका भी तीस तारीख को बर्थडे पड़ता है तीस तारीख वालों का लिए ऐसा है कि वो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं वो उनके पास खुद अपना दिमाग है आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं तो बेस्ट जो होगा आपके हिसाब से वो आप काम करेंगे वो अरेन्ज मैरिज अगर आपको अच्छा लगता है आपकी लाइफ के लिए तो आप वो करेंगे अगर लव मैरिज लगे तो आप लव मैरिज करेंगे और किस्मत भी आपका साथ देगी दोनों ही कंडीशन आइए देख लेते हैं जिन लोगों का भी बर्थडे इकतीस तारीख को पड़ता है थर्टी वन वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि नहीं थोड़ा सा दिक्कत यहां होगी फैमिली की तरफ से आपकी जो फैमिली है हो सकता है कि उसमें आपका कोई फीमेल पर्सन ऐसा हो जो शायद ना चाहे तो उस हिसाब से आप चलेंगे तो यहाँ पे आंसर नो ही होगा क्योंकि 80 परसेंट लोग हैं जो इस हिसाब से होंगे बाकी के जो 20 परसेंट है आप करना चाहे कोशिश करें थोड़ा समय लग सकता है लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन आपकी हो जाएगी कोशिश से क्या कुछ नहीं हुआ हासिल होता हर चीज जीवन में आप कोशिश से पा सकते हैं ये चीज है तो कोई भी चीज को आप कभी भी ये मत मान लीजिए कि नहीं ये चीज हो ही नहीं सकती हर चीज हो सकती है उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय फ्रेंड्स